अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नाम जेपी सिंह, चेयरमैन जेपी एसोसिएट्स, पता 110/3 मंगल पांडे नगर मेरठ। इस शख्स ने भावनपुर मेरठ की थाना पुलिस, जसवंत राय हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस सी अग्रवाल वे तमाम लोगों को कई घंटे तक परेशानी में डाले रखा। यह शख्स काली नदी के निकट स्थित स्टेडियम में अचानक अपनी थार से पहुंचा, साथ ही बड़ी संख्या में लेबर थी। सभी ने ग्राउंड के बीच में गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ऐसा उसने क्यों किया, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। उसे किसी तरह थाने ले गई, भावनपुर पुलिस के पास भी नहीं और डॉक्टर एस सी अग्रवाल के पास भी नहीं। अलबत्ता जेपी सिंह नामक यह शख्स अपनी सत्ता व पैसे की हनक बराबर दिखाता व पुलिस को भी धमकाता रहा। आवास के बाहर उसने एक बड़ा पोस्टर लगा रखा है, जिसमें एक तरफ उसका तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यह वाक्य गुरुवार के दोपहर का है। डॉक्टर एस सी अग्रवाल ने जेपी सिंह के खिलाफ भावनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाने से शाम को ही उसकी जमानत भी हो गई। फायदा ये ग्राउंड खोद के यहाँ पे पेड़ भी रखे हुए हैं बहुत सारे, और इन लोगों ने ग्राउंड के बीचम बीच जो है पेड़ लगा दिए हैं। बहुत ही बेतरकीबा, बहुत ही बदतमीजी से ये सारा स्टॉक यहाँ लगाया है। पहले वहाँ से इन्होंने टेम्पो घुसाया है और ये बेतरकीबा पेड़ लगाते हुए ज़बरदस्ती ग्राउंड को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ग्राउंड के बीचम बीच जो एक खिलाड़ियों की जगह होती है, सारी लेबर करीबन 30-35 लोग थे, लोगों में बहुत तेज़ी से खुदाई करते हुए ऊपर ऊपर पेड़ रख गए हैं। सिर्फ ग्राउंड का ऊपरी भाग खुदा, गड्ढा किया और पेड़ डाल दिया है। सारा ग्राउंड तहस नहस कर दिया है। ये हमारा नेट प्रैक्टिस एरिया है जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ये भी पूरा उन्होंने तहस नहस कर दिया है। फर्स्ट बाइट ने जेपी सिंह का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा, जबकि घर पर ताला लटका हुआ है। आपने क्यों खुदाई करी है, किस बिहाफ में खुदाई करी है, किसने बोला आपको खुदाई करने के लिए, ग्राउंड में कैसे घुसे, स्टाफ के कैसे जो है, स्टाफ के साथ कैसे पिटाई करी है, रिपोर्ट के साथ में नहीं कल्लन तो जबरदस्ती क्यों निकालो, ग्राउंड में क्यों घुसा तू है, ग्राउंड में किस पे आप में घुसे, आप तहजीब क्या है आपकी, इतने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तुम यहाँ पे साले जो है नौटंकी कर रहे हो, कम से कम आपके 20 शिकार पौधे लगाना क्यों करते आप, पत्तनी जी जगह 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 20 शिकार क्यों करते हो, गाड़ी पुराने आदमियों के शर्म नहीं आती, है कौन है, हम तो पहली बार देख रहे हैं इस आदमी को, आप चलिए थाने, चलिए कानून तरीका ये हमारे थाने, चलिए नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्यों लेडी साहब को फोन कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला, इनकी रोज की बदतमीजी है, ये रोज रोज बदतमीजी करते हैं, करो ना, रोज बदतमीजी है, तूने थप्पड़ कैसे मारे हैं, हमारे लेबर को थप्पड़ कैसे मारे तुमने, इतना पुराना आदमी हाथ उठाएगा ना, यही ठोकते ठोकते ले जाएंगे, इतने बच्चे हैं यहाँ पे, आप रखो सभी फिर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, हाथ करते
नहीं जा रहा था। क्यों बदतमीजी करते फिरते रहते हो तुम? जगह जगह अपने आप जबरदस्ती चलो आगे बैठ ठीक है भैया। हाँ अरे नहीं कोई बात नहीं, बता दिया भैया। एक से एक लोग आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या। हाँ फोटो है वीडियो है पूरे। तेरा कानूनी अधिकार नहीं, तेरा फोन छीन ले रहे हैं, कोर्ट का अधिकार है। मना कर दीजिए, तेरा कानूनी अधिकार नहीं माना, फोन नहीं है तो कितना बदतमीजी कर रहा है। जबरदस्ती ग्राउंड के स्टाफ को पीटा, ग्राउंड खोदने लग गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।